नमस्कार, मैं हूँ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर के बाद महिला ने फोन कर रिपोर्टर को जमकर धमकाया, अभद्रता की दबाव बनाने के लिए ताले से फोड़ा सिर। पीएमओ बोले, महिला चिकित्सक ने डिप्रेशन में आकर फोड़ा है सिर। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र के एक रिपोर्टर द्वारा खबर दिखाने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर की एक महिला चिकित्सक बुरी तरह बौखला गई है। उसने सोमवार दोपहर को रिपोर्टर को फोन करके बुरी तरह धमकाया और अभद्रता की। इससे परेशान होकर रिपोर्टर को फोन काटना पड़ा, जिसके पुख्ता सबूत फर्स्ट ट्रैक के पास मौजूद है। वहीं रिपोर्टर पर दबाव बनाने के लिए आज मंगलवार को महिला चिकित्सक ने जिला अस्पताल धौलपुर में ताले से अपना सिर फोड़ लिया, जिस पर उसे साथी स्टाफ ने आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया। वहीं इस मामले में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार का कहना है कि महिला चिकित्सक ने खबर के प्रकाशन के बाद डिप्रेशन में आने से अपना सिर फोड़ा है। आपको बता दें कि दो दिन पहले एक युवती जिला अस्पताल धौलपुर में सोनोग्राफी कराने गई थी। युवती का आरोप है कि इस दौरान सोनोग्राफी कक्ष के अंदर मौजूद पुरुष सिक्योरिटी गार्ड ने सोनोग्राफी करने के लिए कपड़े खोलने को कहा, जो कि युवती को अशोभनीय लगा। इस पर उसने सिक्योरिटी गार्ड से बाहर जाने की बात कही, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं गया। युवती का आरोप है कि सोनोग्राफी कर रही महिला चिकित्सक ने भी यह कह दिया कि गार्ड बाहर नहीं जाएगा, वह स्टाफ का सदस्य है। इसके बाद हार मानकर बीमार युवती सोनोग्राफी कराए बिना ही बाहर आ गई और वह बेहोश हो गई। इस मामले को एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने उजागर किया था। इसके बाद सोनोग्राफी करने वाली महिला चिकित्सक बुरी तरह बौखला गई है और उसने सोमवार दोपहर को रिपोर्टर ज्योति लवानिया की फोन पर कॉल किया, जिसमें महिला चिकित्सक ने जमकर भड़ास निकाली और उसके साथ अभद्रता करते हुए उसे बुरी तरह धमकाया। इस पर रिपोर्टर ने फोन काट दिया, जिस पर महिला चिकित्सक ने दोबारा रिपोर्टर को फोन किया और फिर धमकाया, जिस पर रिपोर्टर ने फिर फोन काट दिया। इस पर महिला चिकित्सक ने तीसरी बार रिपोर्टर को फोन किया, जिसके बाद रिपोर्टर को परेशान होकर महिला चिकित्सक का नंबर ब्लॉक करना पड़ा। फर्स्ट ट्रैक के पास महिला चिकित्सक के द्वारा रिपोर्टर को धमकाने और अभद्रता करने के ऑडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जिसे वक्त आने पर सार्वजनिक किया जाएगा। आज वही मंगलवार को महिला चिकित्सक ने ताले से अपना सिर फोड़ लिया, जिसके बाद उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों की बैठक भी ली। इस मामले में रिपोर्टर ज्योति लवानिया का कहना है कि महिला चिकित्सक ने सोमवार को दोपहर कई बार कॉल करके मुझे बुरी तरह धमकाया और मेरे साथ अभद्रता की, जिसके बाद परेशान होकर मुझे महिला चिकित्सक का नंबर ब्लॉक करना पड़ा। कतिपय समाचार पत्रों में ये समाचार कुछ प्रकाशित हुआ और जिसकी वजह से हमारी जो लेडी डॉक्टर है थोड़ा डिप्रेशन में आई। समाचार का प्रकाशन जिस रूप में हुआ, घटनाक्रम के तथ्य उससे मैच नहीं खाते थे। कल मैंने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से बातचीत की और उसमें ये तथ्य सामने आया कि एक लड़की भर्ती हुई सोनोग्राफी के लिए और उसको वस्त्रों को समुचित रूप से उसको पोजिशन करने के लिए निर्देशित किया गया। उसके द्वारा इसका प्रतिरोध किया गया, बच्चों को सही नहीं समझा गया, तो उसके बाद उसको निर्देशित किया गया कि गार्ड के साथ उसको बाहर ले जाया जाए ताकि अन्य जो लोग क्यू में खड़े थे, लाइन में खड़े थे, उनको सोनोग्राफी की जा सके। कल के घटनाक्रम के बाद आज ऐसा प्रतीत होता है कि जो संबंधित डॉक्टर हैं कुछ स्ट्रेस में ही मेंटल स्ट्रेस में ही, तो आज उनको एक एंग्जाइटी अटैक की स्थिति है और उनको आज भर्ती किया गया। मैं इस अवसर पर मीडिया से भी अनुरोध करूँगा कि कृपया तथ्यों के प्रकाशन से पूर्व समुचित रूप से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें ताकि जो भी समाचार प्रकाशित हो वो सही तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित हो। मेडिकल का जो पूरा समुदाय है जनता के लिए समर्पित है। कोरोना के काल में जिस तरह से अपनी जान को करके और उन्होंने रक्षा की है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा भी आवश्यक रूप से सहयोग प्रदान किया जाएगा, तथ्यों को सही समझा जाएगा। जांच में जो भी घटनाक्रम है पूर्ण रूप से तथ्यहीन और आधारहीन पाया गया।
हाँ सर, महिला चिकित्सक डॉक्टर आशा जिंदल के खिलाफ जी खबर इस पेपर में आई थी, उसके कई सारे फोन उनके पास में आ रहे थे। महिला चिकित्सक एक जिम्मेदार माँ होने के नाते सीवियर डिप्रेशन में थी। हम लोगों ने, हमारे साथियों ने काफ़ी समझाइश की कोशिश कर भी की, आज भी की। आज सुबह भी कुछ घटना हुई, कोई एक पेशेंट से उनकी आपस में कुछ बहस हुई, जल्दी सोनोग्राफी करने के लिए सीवियर पैनिक अटैक हुआ, तो उन्होंने सीवियर पैनिक अटैक में अपने आप को घायल किया। सारे चिकित्सकों ने उनके पास संबल देते हुए हमें उनको आईसीयू में भर्ती कराया। हमारे यहाँ पोस्टेड डॉक्टर सुमित मित्तल साइकेट्रिस्ट हैं, उनके अंडर में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डॉक्टर दीपक जिंदल फिजिशियन को देख रहे हैं। अभी स्थिति थोड़ा सा डिप्रेशन में सीख हुई है, पर स्थिति अभी डिप्रेशन वाली स्थिति कंटिन्यूस स्थिति बनी हुई है। मेरी तरफ से सभी को वापस मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से चिकित्सा के खिलाफ छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके बताया जाता है, जो घटना वास्तव में नहीं होती उनको जिस तरह से बताया जाता है, वो दुर्भाग्य चीज़ है। हम लोग जिस तरह से काम किया सब लोगों के सामने है, और चिकित्सक समुदाय ने इस घटना के विरोध में आज दो घंटे का अपना बहिष्कार किया, कार्य बहिष्कार किया। मैं सारे चिकित्सकों से वापस निवेदन करूंगा, क्योंकि अपने पार्ट है अपने लाइफ का, तो सब लोग अपनी ड्यूटी पर 11 बजे से पधार जाएंगे। और डॉक्टर आशा जिंदल के साथ हम लोग पूरा जिला धौलपुर ही उनके साथ रहेगा, और वो भगवान से कामना शीघ्र वो स्वस्थ हो। पत्रकार भवन जरूरी है, जिला कलेक्टर भूमि दें, विधायक मलिंगा भवन बनवाएंगे, महेश शर्मा। पत्रकार संगठन का पत्रकार मिलन समारोह संपन्न। IFWJ भारतीय पत्रकार संघ शाखा धौलपुर द्वारा चतुर्थ पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन नगर परिषद ऑडिटोरियम धौलपुर में विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री राजस्थान सरकार महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में एवं विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह के सानिध्य में आयोजित किया गया। पत्रकार सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी ने की। इस अवसर पर स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी ने पत्रकारों से संबंधित अनेक समस्याओं से मंत्री एवं मंचासीन अतिथियों को अवगत कराया। इसके उपरांत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने पत्रकार संगठन की गतिविधियों की प्रशंसा की। जिले के पत्रकार समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना काल में पत्रकारों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने संबोधन में जिला कलेक्टर एवं कमिश्नर लजपाल सिंह से पत्रकारों को जगह अलॉट करवाने का अनुरोध किया। विधायक मलिंगा ने कहा कि पत्रकार अलग अलग जगह पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, यह उचित नहीं है, जबकि पत्रकारों के लिए एक ऐसा भवन होना चाहिए जहां वह मिल बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सके, तथा हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ सभी पत्रकारों के साथ वार्ता कर सके। जिले में 4 विधायक हैं, भवन बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। उपस्थित पत्रकारों ने करतल ध्वनि के साथ विधायक मलिंगा की घोषणा का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर एवं कमिश्नर कार्यक्रम में मौजूद है। उन्हें पत्रकारों के लिए भूमि अलॉट करने की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधायक आगे से बढ़कर भवन निर्माण के लिए धन उपलब्ध करवाने को तैयार है, अतः जिला प्रशासन पत्रकारों को भूमि का आवंटन करे, तथा विधायक मलिंगा अन्य विधायकों के साथ मिलकर भवन निर्माण की जिम्मेदारी उठाएं। साथ ही मंत्री शर्मा ने पत्रकारों की अन्य समस्याओं पर विस्तृत विचार व्यक्त करते हुए सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने माँ सरस्वती के समक्ष धूप बत्ती लगाकर प्रार्थना की। कार्यक्रम में AVM कॉन्वेंट स्कूल की छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान प्रस्तुत किया। IFWJ ब्लॉक धौलपुर के अध्यक्ष अनुराग मुद्गल एवं समस्त कार्यकारिणी ने मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद गुरु अध्यापक द्वारा किया गया। इसके बाद तीर्थराज मचकुंड पर सहभोज का आयोजन किया गया। बोर्ड जो मैं विभिन्न जिलों में जा रहा हूँ, आज धौलपुर भी आया हूँ, सबसे ज्यादा
बच्चों के शिक्षा के लिए हॉस्टल की मांग है, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की मांग आई है, बच्चों के लिए रोजगार के अंदर EWS में कुछ संशोधनों की मांग आई है। इन सब पे बोर्ड काम करेगा और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। उन युवाओं के लिए, ब्राह्मणों के, पुजारियों के लिए, हिंदू रीति नीति इसको विप्र समाज को उससे ओतप्रोत करने की योजनाओं के दिशा में हम काम करेंगे और जल्दी आप उसे उस पर करेंगे। सर, बात की जावे ब्राह्मण प्रदेश का जो ब्राह्मण समाज में ऐसा झूठे प्रोपेगंडा के आधार पर बच्चों को, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बाकी रही ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज के लिए कांग्रेस ने पहली बार बोर्ड बनाया, हमने मैनिफेस्टो में घोषणा करी, बीजेपी भी कर देती मैनिफेस्टो में घोषणा, उनको किसने रोका था, घोषणा ही नहीं करी, बोर्ड का गठन किया, मुझे प्रथम अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, हम योजनाएं बना रहे हैं, हमने चार चार इस कैबिनेट के अंदर मंत्री दिए हैं, हमने 10 बोर्ड निगम में अध्यक्ष उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है, भाजपा ने भी 10 साल लगातार वसुंधरा जी का राज था, क्या किया, आज वसुंधरा जी का भी एक बयान पढ़ रहा था, वो मंदिरों की बात कर रही थी, जो खुद मंदिर तोड़ने वाली है उनको किस मुँह से मंदिरों की बात करती हैं मुझे इसका पता नहीं है। हम मंदिर को भी सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे और ब्राह्मणों के लिए, हम कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं उन सब के द्वारा उनको लाभान्वित करेंगे। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर, आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट AC रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा के धौलपुर आगमन पर विप्र फाउंडेशन ने किया स्वागत। विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष महेश शर्मा के आज मंगलवार को प्रथम बार धौलपुर आगमन पर विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आचार्य शिव पूजन शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान परशुराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा का माला एवं साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। विप्र फाउंडेशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय शर्मा ने अतिथियों को फाउंडेशन की रीति एवं नीतियों से अवगत कराया। फाउंडेशन के जिला महामंत्री अशोक पचौरी ने विगत 3 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में बताया। फाउंडेशन के पदाधिकारी राजेश पाठक, बनवारी लाल एवं गोविंद शर्मा ने धौलपुर जिले में एक छात्रावास बनवाने की मांग रखी, जिसमें रहकर गरीब छात्र पढ़ाई कर सके। तृतीय श्रेणी अध्यापक में चयनित होने वाले अमित व्यास, भानु शर्मा, भावना शर्मा, राहुल शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने विप्र फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा कि धौलपुर में फाउंडेशन द्वारा समाज हित में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा में विप्र फाउंडेशन ने जो कार्य किया है वह अद्वितीय है। कार्यक्रम के अंत में विप्र फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा EWS से संबंधित समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन रवि व्यास ने किया। इस मौके पर पूरन चंद्र बोहरा, सुभाष भारद्वाज, प्रशांत हुंडावाल, गोविंद शर्मा, लवकुश शर्मा, अमित मुद्गल, राजेश शर्मा, ब्रजेश कुमार, सुरेंद्र मोहन शर्मा, ऋचा शर्मा,
रामकुमार शर्मा, सत्य प्रकाश, मनीष शर्मा, अनूप भरत, नवीन, धर्मेंद्र व्यास, मोनू तिवारी, सत्येंद्र भानु, जितेंद्र सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज विप्र फाउंडेशन के शिक्षा परिषद के अंदर जो आयोजन हुआ उसके अंदर मुझे आकर के बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बच्चों को जो विप्र फाउंडेशन ने नींव लगाई थी और उसके सुखद प्रतिनिधि के रूप में कल जो रीत का परिणाम आया उसमें करीब 5 बच्चे संस्था के द्वारा पढ़ाई के माध्यम से उनका सिलेक्शन शुभकामनाएं बधाई थी और विप्र फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को ऐसे 21 किलो की फूलों की माला पहनाकर विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का किया स्वागत। विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष महेश शर्मा का धौलपुर आगमन पर सर्किट हाउस में अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा के नेतृत्व में 21 किलो फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर धनीराम शर्मा ने मंत्री का दर्जा प्राप्त बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा को ज्ञापन देकर धौलपुर सहित पूरे राजस्थान के ब्राह्मण कन्या छात्रावास खुलवाने की मांग की। धनीराम शर्मा ने कहा कि ग्रामीण इलाके में गरीब पिछड़े ब्राह्मणों की बेटियां उच्च शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा से वंचित रह रही हैं, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा की चिंता एवं गरीबी के कारण गरीब ब्राह्मण अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के विकास के लिए बेटियों की शिक्षा बहुत जरूरी है, जिस पर अध्यक्ष महेश शर्मा ने समस्या के समाधान को सकारात्मक रूप से सरकार के माध्यम से निदान करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर शिवनारायण शर्मा पूर्व कानून को युवा अध्यक्ष गजेंद्र मुदगल, निहालचंद पचौरी, जिला अध्यक्ष गगन पंडित, संजय मुदगल ब्लॉक अध्यक्ष वाड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व जिला प्रवक्ता जिला कांग्रेस अमित मुदगल, बबलू शर्मा एवं अन्य ब्राह्मण बंधु मौजूद रहे। माँ से बिछड़ा 4 महीने का पैंथर वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बाड़ी उपखंड के कांकरे गांव के पास से वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने एक 4 महीने के पैंथर का रेस्क्यू किया है, जिसे वन विभाग के बाड़ी रेंज कार्यालय लाया गया है, जहाँ उसके भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। अब वन विभाग के उच्च अधिकारी पैंथर को सुरक्षित जंगल में भेजने की व्यवस्था में जुटे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह पैंथर करीब 4 महीने की आयु का है, जो जंगल में अपनी माँ से बिछड़ गया है। वन विभाग बाड़ी के रेंजर रामनिवास मीणा का कहना है कि धौलपुर उप वन संरक्षक बीके जोशी ने सूचना दी कि कांकरे गाँव के पास ग्रामीणों ने किसी पैंथर को झोपड़ियों में छिपे देखा है, जिस पर कृष्ण कुमार शर्मा और अन्य वन्य कार्मिक को कांकरे गांव भेजा गया, जिन्होंने झोपड़ियों से पैंथर का रेस्क्यू किया। यह करीब 4 महीने की आयु का है, जो किन्हीं कारणों से अपनी मां से बिछड़ गया है। इस पर आवारा कुत्ते हमला कर रहे थे, जिनसे बचने के लिए यह झोपड़ी में छिप गया। ग्रामीणों ने जब पैंथर पर कुत्तों को हमला करते हुए देखा तो तुरंत वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन्य टीम ने उसको रेस्क्यू किया। अब इसे सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही करने वाली टीम में हंसराज गुर्जर फॉरेस्टर, पवन शर्मा फॉरेस्टर, राधा कृष्ण रेस्क्यू विशेषज्ञ, रविंद्र सिंह, रघुराज सिंह, सुरजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। विद्युत कर्मचारियों पर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 5 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर एसपी नारायण टॉगस के निर्देशन में सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा अपराधों पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 1 वर्ष पूर्व सरमथुरा उपखंड के मानपुर गांव में विद्युत कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले मानपुर गांव में आरोपियों ने गांव में अवैध ट्रांसफार्मर उतारने गई विद्युत निगम की टीम पर जानलेवा हमला किया था, जिससे कर्मचारियों को काफी चोटें आई थी और सरकारी वाहनों में भी अपराधियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कप्तान मीणा, पुत्र द्वारिका मीणा, उम्र 23 वर्ष, निवासी मानपुर, मंगल सिंह मीणा, पुत्र लहोरिया मीणा,
उम्र 68 वर्ष, हर नारायण मीणा पुत्र मंगल सिंह मीणा उम्र 30 वर्ष, अमर लाल पुत्र शिव नारायण मीणा उम्र 30 वर्ष, रामचरण मीणा पुत्र लाखन सिंह मीणा उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा शेष नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में एएसआई पुरुषोत्तम, कांस्टेबल ओम प्रकाश, सुमेर सिंह, हरवेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोअर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604475। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केवी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने अग्नि पीड़ित परिवारों को दी सहायता राशि। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव धीमरी का पुरा में कुछ दिन पूर्व आग लगने से 4 परिवारों का काफी नुकसान हुआ था। इस पर आज मंगलवार को धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा अग्नि पीड़ित परिवारों के घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। साथ ही विधायक शोभारानी कुशवाहा ने पीड़ित परिवारों को अपनी ओर से आर्थिक सहायता राशि दी। विधायक शोभारानी ने प्रशासनिक अधिकारियों से मौके पर ही वार्ता करके पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री कोष से सहायता राशि जल्द से जल्द देने का आदेश दिया। पिता की मौत के बाद गरीब बेटी के हाथ पीले करने आगे आए भामाशाह, घर पहुँच कर दी 11,000 रुपए की सहायता राशि। 7 दिन पूर्व एक निर्धन पिता की मौत के बाद पहले से निर्धारित बिटिया की शादी के लिए गम भरे माहौल में गरीबी से जूझ रहे परिवार के लिए किस प्रकार की मुसीबत होती है, यह तो उस परिवार से ज्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन ऐसे कठिन समय में तिनके का भी सहारा देने वाला उस परिवार के लिए फरिश्ते से कम नहीं होता। ऐसा ही एक वाक्या धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के कोली मोहल्ले का है, जहां बीमारी से जूझ रहे निर्धन हीरा लाल कोली की 7 दिन पूर्व बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसकी बिटिया काजल की 21 अप्रैल को शादी पहले से ही निर्धारित हो चुकी थी। शादी भरे माहौल में पिता के गुजर जाने के बाद मानो परिवार पर पहाड़ सा टूट पड़ा हो। ऐसे कठिन समय में समाज सेवी प्रशांत परमार द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए पीड़ित परिवार को 11,000 रुपए की नकदी देकर ढांढस बंधाया। इस मौके पर रामविलास बघेल भाजपा मंडल अध्यक्ष, अमर पहाड़िया पंचायत समिति सदस्य किशोर कोली पूर्व पंच, हाकिम सिंह लोधा, टोनी जगरिया, सेरा बघेल, मंजित सोनिया, देवेंद्र पहाड़िया, गौरव बघेल आदि लोग मौजूद रहे। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि धौलपुर एसपी नारायण टोकस के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बारे लाल गुर्जर पुत्र विजेंद्र उम्र 32 साल निवासी लालौनी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को कुरेंदा गाँव के मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 96 पब्बा बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बाड़ी में पुलिया से टकराई अनियंत्रित पिकअप गाड़ी, दो घायल। नेशनल हाईवे 11 बी पर बाड़ी इलाके में लोहरियापुरा के पास एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी पुलिया से टकरा गई। इस दुर्घटना में गाड़ी सवार दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार घायलों में से एक जहां इरादत नगर आगरा का निवासी है, वहीं दूसरा बसेड़ी की सलेमपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। सदर थाना बाड़ी के थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि दिन में करीब 2 बजे सूचना मिली कि लोहरियापुरा के पास एक पिकअप गाड़ी पुलिया से टकरा कर क्षतिग्रस्त हुई है। इस पर वे मौके पर पहुंचे तो 2 युवक गाड़ी के अंदर घायल अवस्था में पड़े थे, जिन्हें गाड़ी से निकलवा कर अस्पताल पहुंचाया। घटना को लेकर बजरंग दल के संयोजक भूरा गुर्जर ने बताया कि हादसे के वक्त वे मौके से गुजर रहे थे। इस दौरान अचानक तेज आवाज के साथ पिकअप गाड़ी पुलिया से टकराई थी। ऐसे में उन्होंने मौके पर पहुंचकर सदर पुलिस को सूचना दी। साथ में लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को गाड़ी से निकलवाया। घायलों में से एक सोनू बघेल इरादत नगर आगरा का निवासी है, वहीं दूसरा घायल 90 पुत्र पप्पू वसेड़ी के सलेमपुर गांव का निवासी है। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए, ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी, उच्च क्वालिटी की SR मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। खुशखबरी, धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, iPhone आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। 4 दिन पूर्व टूटे विद्युत लाइन को नहीं किया ठीक, स्कूल के बच्चे व ग्रामीण परेशान। पंचायत समिति धौलपुर के गांव सड़कोली में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। 4 दिन पूर्व टूटी हुई बिजली की मुख्य लाइन को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। यहां के विद्यालय में कार्यरत अध्यापक सत्यपाल सिंह परमार ने बताया कि इसी लाइन से गांव के राजकीय विद्यालय का भी कनेक्शन है। विद्यालय की समरसेबल नहीं चलने के कारण विद्यालय में अध्ययनरत 206 बच्चों के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं टूटी हुई लाइन से बच्चों तथा गांव वासियों की सुरक्षा के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। इसे लेकर लाइनमैन तथा टोल फ्री नंबर पर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। धौलपुर पंचायत समिति के गांव सड़कोली में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही की वजह से विद्यार्थियों को, स्कूल के विद्यार्थियों तथा गाँव वासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य लाइन का तार टूट जाने की वजह से विद्यालय में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है तथा स्कूल के पंखे तो चल ही नहीं रहे हैं, साथ में ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन उपस्थिति वगैरह जो दर्ज करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में बिजली विभाग के लिए टोल फ्री नंबर जो होता है उस पर कई बार शिकायत दर्ज करा दी गई है तथा लाइनमैन के लिए कई बार फोन कर दिया गया है, लेकिन 4 दिन होने के बावजूद अभी तक लाइन खुले में पड़ी हुई है, जिससे गाँव में पशु तथा छात्रों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा खड़ा हो गया है। अभी तक इस परेशानी का कोई भी समाधान विद्युत विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जबकि हम 4 दिन के अंदर कम से कम 6 से 7 बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। विदेशी मेहमानों ने किया शेरपुर स्कूल का अवलोकन, स्कूल की व्यवस्थाओं को सराहा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर मनिया का सोमवार को इटालियन नागरिक मार्को कालो ने आगरा पर्यटन मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ स्कूल पहुंचकर सुविधाओं एवं संसाधनों का जायजा लिया। इसके साथ ही छात्रों के शैक्षणिक स्तर, उनको मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली।
टीम के सदस्यों ने स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय को दी गई विशेष डिजाइन, बेहतर शैक्षिक संचालन, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को सराहते हुए स्कूल के छात्रों के लिए संसाधनों की उपलब्धता के लिए मदद को आगे आकर जल्द सहयोग का भी भरोसा दिलाया। शुरुआत में स्कूल के अध्यापक एवं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, गांव के समाज सेवी डॉक्टर अतर सिंह भगेल, HM वंदना, अध्यापक सौरभ राजपूत, कराना देवी, रागिनी त्रिवेदी, रेखा मीणा, रामशंकर, सत्येंद्र कुमार ने दल का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर एवं साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इटली से आए विदेशी मेहमान मार्को कालो ने कहा कि शेरपुर विद्यालय के शिक्षकों ने कड़ी मेहनत कर प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अगुवाई में शानदार काम करते हुए सरकारी स्कूल को निजी स्कूलों से भी बेहतर बनाकर सरकारी स्कूल के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। आगरा पर्यटन मंत्रालय गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि बहुत कम उन्होंने विद्यालय की सभी कक्षाओं का अवलोकन कर विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर का आकलन किया और उनको स्कूल का टेन का और हेरिटेज का लुक बेहद पसंद आया, जिसकी उन्होंने तारीफ की और अपने देश के लोगों को भी स्कूल के फोटोग्राफ भेजे। वो सभी स्कूल की के सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को देखकर विदेशी मेहमान बेहद अभिभूत हुए और सभी स्टाफ और बच्चों के साथ उन्होंने अपनी खुशियों को साझा करते हुए आगामी एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ नए शैक्षिक सत्र में आने का भरोसा दिलाकर। आग महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा पहुंची लक्ष्मणगढ़ सीकर। धौलपुर निवासी राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में अग्रोहा शक्ति पीठ से चल रही ऐतिहासिक आद महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा देश के सभी प्रांतों राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के नेतृत्व में 18 रथों द्वारा निकाली जा रही है। पूर्वी राजस्थान प्रदेश में झुंझुनू जिले से शुरू हुई रथ यात्रा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ पहुंची। यहां राष्ट्रीय युवा महामंत्री दीपक जाजोदिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा शक्ति, मातृशक्ति सहित समाज के अग्र बंधुओं के साथ लक्ष्मणगढ़ नगर में भव्य शोभा यात्रा के साथ निकाली। यात्रा के दौरान पूरे नगर को तोरण एवं स्वागत द्वारों से सजाया गया। अग्र बंधुओं सहित सर्व समाज के बंधुओं ने माता आग लक्ष्मी जी का पुष्प वर्षा कर पुष्प हार एवं आरती कर शीतल जल, अल्प हार, शीतल पेय पदार्थों से यात्रा में शामिल बंधुओं का स्वागत किया। कार्यक्रम में धौलपुर निवासी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनका सभी पदाधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। 5 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए 5 दिवसीय प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज मंगलवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में किया गया। शिविर में रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन ने कहा कि जिले में आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए जन जन तक प्राथमिक उपचार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूल बच्चों के लिए भी मिशन जीवन रक्षक चलाया जा रहा है, जिसमें 4,000 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले की प्रत्येक औद्योगिक इकाइयों, गैस एजेंसियों एवं पेट्रोल पंप के कार्मिकों को आवश्यक रूप से प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह दुबे ने कहा कि किसी भी दुर्घटना स्थल से अस्पताल के बीच के समय दी जाने वाली फर्स्ट एड से हम जन हानि को रोक सकते हैं। रेड क्रॉस के वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव ने कहा कि प्राथमिक उपचार की जानकारी प्रत्येक नागरिक को आवश्यक रूप से होनी चाहिए। शिविर में 25 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। धार्मिक स्थल की आड़ में किए गए अवैध निर्माण को हटवाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धौलपुर द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि मचकुन रोड स्थित नगर परिषद के मेन गेट के पास एक अवैध धार्मिक स्थल का निर्माण कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद और जिला प्रशासन किसी के द्वारा इस कार्य को रोका नहीं जा रहा है। सूचना मिलने पर जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की तो कार्य को रुकवा दिया गया, लेकिन इसका कार्य लगभग पूरा हो गया है।
ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से मांग की गई है कि धार्मिक स्थल की आड़ में किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता, चंद्र प्रताप धाकरे, प्रखंड संयोजक नरेश, रविंद्र वीरेंद्र आदि कार्यकर्ता शामिल है। प्रशासन से अनुरोध है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करा के जगह साफ कराई जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय। सीएससी बसेड़ी पर हुआ स्वास्थ्य मेला का आयोजन, ग्रामीणों ने उठाया लाभ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर मंगलवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया तथा कहा कि ऐसी योजनाओं से गरीब और कमजोर तबके के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों को कहा कि वह आमजन की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे। BCMO डॉक्टर महेश बंसल ने बताया कि मेले में अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए जिले भर से आए चिकित्सक इलाज तथा परामर्श देने के लिए एक ही छत के नीचे मौजूद है। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हरिकिशन मंगल, डॉक्टर संदीप शुक्ला, महेश गुप्ता, डॉक्टर दीन दयाल बेरवा, हेमंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।